चलिए हेल्दी डोसा बनाते हैं। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है, इसके लिए मैंने मूंग को फुलाकर अकुड़ाई हूँ और चना को। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। इस पर आप टमाटो सॉस चीज डालकर खाइए। मैंने इसको क्या किया, तेल भी बहुत कम लगता है। फिर इसको देखिए दो बूंद तेल में, मेरे पास ब्रश नहीं है इसलिए मैं इस तरह से ही इसको बना रही हूँ। और इसमें मैंने क्या की हूँ, एक कटोरी मूंग दाल अकुड़ा हुआ है और एक कटोरी चना वाला और एक कटोरी चावल का है साबुत, सबका फुल सबको मैंने ग्राइंड करके और इनो डाल के इसको इस तरह से घोल बना ली हूँ। देखिए इस तरह से इसका घोल बनेगा। मेरे घर में ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं, अगर डेली मिले तो खाना पसंद करेंगे। एक टाइम बस इसको उलट पुलट उलट देना है और बहुत जालीदार बनते हैं, पूरी जाली बन जाएंगे। देखिए थोड़ी देर में आपको पता लगने लगेगा कितने जालीदार हो गए हैं। उसके बाद इसमें जीरा भुजा हुआ, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर छिड़क देना है। टोमेटो सॉस है तो टोमेटो सॉस लगा दीजिए, नहीं तो पिज़्ज़ा सॉस है पिज़्ज़ा सॉस लगा दीजिए। उस पर थोड़ा सा जाएगा आलू कद्दूकस किया हुआ, ऊपर से जाएगा प्याज, नमक, जीरा, ये जो मसाला बोले जो। उसके बाद ये सेव डाले हैं, आप चीज़ भी डाल सकते हैं। देखिए कितने जालीदार बन गए ना, देखिए और बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाते हैं। देखिए चिपकेगा भी नहीं, एकदम आराम से इतना ही कम तेल में आराम से ही देखिए सब छोड़ देता है। देखिए आराम से, मैं एक हाथ में मोबाइल ली हूँ ना इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। देखिए कितनी अच्छे से, देखिए और इस पर ही लगाकर बना देना है इस तरह से। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। कैसा बना है बेटा? मेरे बेटा ने बोला मस्त बना है, बहुत टेस्टी। एक बार बनाकर देखिए, अब के बच्चे बार बार बनाने के लिए बोलेंगे, बहुत पसंद करेंगे। राधे राधे फैमिली।